कैलाश राणा शिवचंद्र मौली, फणीन्द्र माथा मुकुटे जलाली, कारुण्य सिंधु भवदुख हारी, तुजविन शंभो भजकोन तारी। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं आज माघ मास की पूर्णिमा और माघ मास का आखिरी दिन मैं आपके लिए लाई हूँ माघ मास महात्म की कथा का अध्याय। बंधुओं जिन भी मनुष्यों ने माघ मास स्नान नहीं किया, माघ मास महात्म की कथा को नहीं सुना, वे आज पूर्णिमा के दिन माघ मास स्नान अवश्य करें और साथ ही माघ मास महात्म की कथा को सुने, तब भी उन्हें पूर्ण माघ मास स्नान और माघ मास महात्म की कथा सुनने के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बंधुओं पहले नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर ही स्नान करें और अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। बंधुओं स्नान करते समय गंगा जी का ध्यान अवश्य करें, प्रयाग तीर्थ का ध्यान अवश्य करें। बंधुओं यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अच्छोत सरोवर में स्नान करके सुख पूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमश जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो, यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिसकी जड़ें पाताल तक गई हैं और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय जिस भगवान के मुख में रहते हैं, वह भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिवजी की प्रिय भागीरथी है जिसके सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है, इसका जल पीने मात्र से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं, इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दामानल से कोई नहीं पाता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी। स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ पर जगीश्वर सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अनिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सब ऋषियों में सम्मिलित हुए थे, जिन्होंने भी जहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो, इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर त्रिवेणी में स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपने संतान को देखकर प्रसन्न चित होकर लोमश जी को संतुष्ट किया और कहा,
आपके अनुग्रह से ही यह श्राप से विमुक्त हुए। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमश्च ने कहा, इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीति पूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमश जी अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने पांचों कन्याओं से विवाह किया। इन कन्या के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म पूजा जाता है, वहां नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीरथ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में, विशेष करके काशी जी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। बंधुओं, अब मैं आपको बताऊंगी माघ व्रत उद्यापन विधि क्या है। माघ मास में पूर्णिमा को प्रातःकाल गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में अथवा किसी भी नदी में स्नान करके पवित्र होकर उसी क्षेत्र में एक मंडप बनाकर उसमें भगवान विष्णु की स्थापना करें। ब्राह्मण को बुलाकर गौरी गणेश और नवग्रह की स्थापना करके सत्यनारायण भगवान का पूजन करें और कथा श्रवण करें। इसके बाद एक वेदी बनाकर वेदी के पश्चिम भाग में बैठकर तिल, चावल, जौ, गुगल और घी का हवन करें। इसके बाद ब्राह्मणों का वर्ण करें। बाद में सर्वदो भद्र चक्र बनाकर ब्रह्म आदि देवताओं का पूजन करके वहां कलश के ऊपर स्वर्ण की लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। इंद्र विष्णु रीति इस मंत्र से आवाहन करके पुरुष सुक्त के मंत्रों द्वारा षोडश उपचार पूजन करें और पलंग के साथ पांच वस्त्रों को ब्राह्मण को लोटा, धोती, अंगोछा, छाता, खड़ाऊ, आसन, माला, जनेऊ जोड़ा और स्वर्ण मुद्रा, तिल आदि का दान करें। गो दान करके विसर्जन करें। इसके बाद गीत, कीर्तन, वाद्य आदि मंगल गान और उत्सव मनाएं और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यथाशक्ति उनको दक्षिणा दें। जो मनुष्य माघ मास में इस महात्म को पढ़ता या सुनता है, उपरोक्त रीति से उद्यापन करता है, जो इस व्रत व उद्यापन से कुल से 7 जन्मों के किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, उस मनुष्य को सुख, संतति एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, ओम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, ओम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, ओम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें।